मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून नमक डालेंगे, फिर 2 कप मैक्रोनी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। जब मैक्रोनी बॉईल हो रही हो तो इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल कुकिंग ऑयल लेंगे और 1/2 किलो चिकन लेंगे बोनलेस और 1/2 कप केचप लेंगे। इन सब चीज़ों को कढ़ाई में डाल के अच्छे तरीके से पका लें और जब ये पक जाए तो इसके अंदर आलू डाल दें क्यूब किए हुए, चने डाल दें 1/2 कप, शिमला मिर्च डाल दें 1/2 कप और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक और नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे जिससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर 2 पिंच हम ओरिगानो डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पर क्यूब में कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। स्पेशल पास्ता इज़ रेडी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।